जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मोटिवेशनल वीडियो, निशुल्क ज्योतिष परामर्श और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जीवन अगर आप पहले व्यूअर हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की जानकारी आसानी से मिलती रहे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों को मृत्यु का आभास। अगर जीवन में कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो नंबर है, नंबरों पर फ़ोन लगा सकते हैं आप और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कुंभ राशि के जातक जब मैं निःशुल्क ज्योतिष उपलब्ध करवाता हूँ, तो कई बार बहुत से जातक मुझसे पूछते हैं, गुरुजी जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, उससे कैसे बाहर आया जाए, हम डिप्रेशन में हैं और धोखे हैं, और इतने सारे दोस्तों प्रश्न होते हैं कि जिनका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी हो, तो मैं आपको 5-7 बातें जो बतला रहा हूँ, उन पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो जीवन में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। सबसे पहली और मुख्य बात मैं करना चाहता हूँ कि मृत्यु का आभास। यह जीवन हमें एक बार मिला है, 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन बड़ी मुश्किल से हमें मिला है दोस्तों, और उसमें भी हम बेफिजूल की बातों में उलझे हुए हैं। जीवन से बड़ा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीवन में खुशी, आनंद, उत्साह से बड़ा कुछ भी नहीं है, और उत्साह आनंद जीवन को जीने के लिए इस संसार में हम सभी लोग आए हुए हैं, और आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, सुख दुख, अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सभी चीज़ें यहाँ चलती रहती है, और परमानेंटली कोई भी चीज़ यहाँ नहीं रहती है। हमारी कामना होनी चाहिए ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वर के स्मरण की, और सकारात्मक रहने की, लोगों की मदद करना, यह हमारी बेसिक थिंक होना चाहिए। इस अगर इन मेन चीज़ों को छोड़कर यदि आप जीवन में स्वार्थी हुए, खुद का विकास, खुद के पास धन दौलत शोहरत और सभी चीज़ों के लिए अगर आप अंधे दौड़ रहे हैं, तो ये निराशावादी और बहुत ही घोर निराशावादी एक रास्ते की ओर हमें ले जाता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है, लोगों की मदद करने में बिल्कुल आप आगे रहें, लोगों की मदद करें, सकारात्मक रहें। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ कि मृत्यु का आभास। हमें जीवन में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन इस दुनिया से हमें छोड़कर जाना होगा। अगर ये चीज़ हमारे मस्तिष्क में एक बार आ गई है, तो समझिए कि हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी किसी व्यक्ति को गलत शब्द नहीं बोलेंगे, और एक अद्भुत उत्साह उमंग के साथ ये जीवन जिएंगे। तो बस इतना ही निवेदन है मेरा कि जीवन में हमेशा मृत्यु का आभास रखें कि एक दिन इस संसार को हमें छोड़ना है, और ये जहाँ भी जो भी चल रहा है, चलित सपना है, हमारी आँखों के सामने चलित सपना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय श्री महाकाल बोले, जय श्री महाकाल।